अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दरियाए सतलुज में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल। जलालपुर पीरवाला को सैलाब से तारीख़ नुकसान, तबाही मच गई। पंजनद पर तेज़ी के साथ इजाफा, अलर्ट जारी। हेड गन्ना सिंह सुलेमान की निचले दर्जे का सैलाब। ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला बहावलपुर में तबाही मचाते हुए जलालपुर पीरवाला और उसके आगे वाले शहरों में अब खतरे की घंटी बजा रहा है। पंजनद पर अब तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। लेवल 80,000 की औसत तक बढ़ चुका है। अलर्ट जारी हो चुका है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं, बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं। इस सैलाबी रेले ने हर जगह नुकसान पहुंचाया है। जहां जहां से गुजरा है तबाही मचा दी है। अभी भी हेड इस्लाम से पीछे चिश्तियाँ बहावल नगर के इलाकों में लोगों के नुकसान हो रहे हैं। कुछ लोग पानी के बीच में अभी भी फंसे हुए हैं। नाजरीन, जिस जगह सबसे ज्यादा बंद टूटे हैं वो है जलालपुर पीरवाला, इसलिए यहाँ पर बहुत नुकसान हुए हैं। अगर हम इन नुकसान को तारीखी कहें तो गलत ना होगा। हेड गंडा सिंह सुलेमान की अभी भी निचले दर्जे का सैलाब है, तो अल्लाह पाक रहम करे, हमारी खताओं को बख्श दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। ताज़ा तरीन अपडेट आपको बता देता हूँ। गंडा सिंह पर पानी का अखराज है 98,000 क्यूसक, सुलेमान की पर 81,000 क्यूसक, इस्लाम पर भी 81,000 क्यूसक, मेलसी सेफन पर 95,000 क्यूसक और पंजनद पर 80,000 क्यूसक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। Bye.